रास्ते में अचानक से प्लान बन गया हमारा कि मतलब चलो अब तो है इस झील में डुबकी लगा ही ले, मजा आएगा, सारे पाप धो लेंगे, दरिया में सारे पाप धो लेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई मैं अभी यहाँ पे करनाल बाईपास के पास खड़ा हूँ और सारे के सारे हमारे जितने भी दोस्त अभी जा रहे हैं, हम चार लोग जा रहे हैं स्पीति। तो अचानक से प्लान बनाया है, सलमान भाई मेरे साथ है, ठीक है, देख सकते हो सलमान भाई साथ ताम जाम के साथ। इधर और भी लोग मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, दानिश भाई ऑलरेडी रेडी हो रखे हैं, ये हमारे अजमल भाई लेकिन जा नहीं रहे, ये ठीक है, मिस करेंगे, बहुत मिस करेंगे, इनकी कॉमेडी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, राइड पे। और सोनू भाई हमारे साथ एज वेल एज हमारे साथ जा रहे हैं सोनू भाई भी, तो देख लो, तो ये तीन चेहरे कंटिन्यूसली तुम्हें दिखेंगे, एक मेरा भी। तो भाई फुल ऑन मज़ा आने वाला है, बट हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ, सिंड्रेला हमारे साथ है नहीं, तो मैं सलमान भाई के साथ जा रहा हूँ बुलेट पे, तो जितना हो सकता है मैं कवर करने की कोशिश करूँगा और बहुत सारे मतलब जो शॉट वगैरह जो है लेने की कोशिश करूँगा, तो बने रहो ब्लॉग में। और अभी जस्ट गेयरअप वगैरह हो ही रहे सारे के सारे, जैसे हो जाते फिर निकलेंगे यहाँ से, तो मिलते हैं। और जितने भी हो यार, जितने भी नए आते हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, तो मिलते हैं जल्दी, चलो बाइक पे। तो यहाँ से हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था राइड अपना जो है करनाल बाईपास से, और अभी जो है मतलब सलमान भाई के मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, और जब गाड़ी स्टार्ट हुई तो लिटरली बताऊँ तो कितना ज़्यादा मैं बोर हो रहा था ना, वो चीज़ मैं बता नहीं सकता घर पे। और इसके बाद जो है बड़ा सही लगा मेरे को यहाँ से कि इनके साथ मैं पीछे बैठने के उसके बाद निकल गया, तो मैंने सोचा कि हाँ ब्लॉगिंग तो करेंगे ही करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से जो है इन्जॉय करते हुए हम दोनों एक दूसरे के साथ जो है निकल गए, और मतलब मैं बता नहीं सकता था मैं कितना हैप्पी था, जस्ट बिकॉज ऑफ कि देख सकते हो कि दानिश भाई जो है लेफ्ट साइड में है, ये दानिश भाई है जिनकी गाड़ी जो है ऐसे ब्लिंक कर रही है, काफ़ी अच्छे लुक लग रहे हैं, क्योंकि अभी इन्होंने जैकेट लिया है DSG का, जहाँ से मैंने लिया था अल्पाइन स्टार नारायणा, तो मज़ा आ रहा था। उसके बाद अभी और यहाँ पे जो है स्टे किया थोड़ा सा, मतलब गाड़ी रोक के जो है बाइक रोक के, उसके बाद फिर हम तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये कहाँ है। ये जो है यहाँ से स्टार्ट होता है एक तरीके से जो है चंडीगढ़ के लिए रास्ता, बिल्कुल एकदम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पे रुक के जो है, यहाँ पे ना बहुत बड़ा धनुष बना हुआ है और शंख बना हुआ है बीच में, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा रुक के रील्स बना के मतलब बताया, बताने के बाद जो है गेयरअप वगैरह सारी चीज़ें करके, देन उसके बाद यहाँ से हम निकलेंगे। तो अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें सारे के सारे यहाँ पे, देख सकते हो कि किस तरीके से जो है मतलब दानिश भाई, सोनू भाई और सलमान भाई हमारे जितने भी हैं यहाँ पे खड़े थे, और हम चारों ही थे यहाँ पे, ये रहे सलमान भाई देख सकते हो। तो अलग ही मज़ा आ रहा था सीरीज से बताओ तो, बिल्कुल ही जैसे कि कहते हैं कि मतलब एक तरीके से यहाँ से हम लोग ने जो एक्चुअल में राइड स्टार्ट करी थी, यहाँ से स्टार्ट करके जो है डायरेक्ट हम अभी बीच में एक जगह रुके भी थे ढाबे पे, वो चीज़ मैं दिखाऊंगा तुम्हें, तो जल्दी ही दिखाऊंगा, बाकी जो है यहाँ पे इंजॉय करके देन उसके बाद निकले। तो भाई अभी हम अम्बाला पे हैं, अभी हम अम्बाला पे हैं, यहाँ पे खड़े हैं और देखो बहुत बड़ा शंख बना हुआ पीछे, और अब जो है यहाँ से हम निकलने वाले हैं, यहाँ से शिमला की तरफ जाएंगे, एक जा रहा है लुधियाना, एक जा रहा है शिमला, तो हमें शिमला की तरफ जाना है, देन उसके बाद जो है अब यहाँ से सीधे शिमला बाईपास पकड़ेंगे डायरेक्ट, उसके बाद फिर रामपुर में हमारा जाके स्टे होगा, वहाँ पे हम रुक के आराम आराम करके सो सा के देन उसके बाद निकलेंगे स्पीति। तो अभी सारे सारे यहाँ पे हम खड़े हैं, बाइक लगी है हमारी, बाइक है और चार लोग हैं, हम सफ़र कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, काफ़ी टाइम बाद जो है माइंड बिल्कुल खुल गया है, ऐसा लग रहा था घर में ना बैठ बैठ के जॉब घर दम घुट गया था मेरा, और जब अभी निकला हूँ तो बड़ा मज़ा सा आ रहा है इसी। तो सारे सारे अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट करने के बाद फिर दोबारा हम वही निकलेंगे और उसके बाद मज़ा करूँगा। तो मैं क्लिप जो है छोटी छोटी बना के मैं डालता रहूँगा, वो चीज़ देखते रहना, तो मज़ा आ रहा है, तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद उसके बाद निकलेंगे। तो भाई देख सकते हो कि हम अभी अमन ढाबा पे पहुँच चुके हैं, तीन बाइकें लग चुकी है, एक ये है, ये दानिश भाई की है, ठीक है,
ये हमारे सोनू भाई की, और ये है सलमान और मेरी भाई। तो बेसिकली ये है कि मतलब अभी आ चुके हैं हम अप्रॉक्स जो है चंडीगढ़ से अप्रॉक्स 100 किलोमीटर दूर होंगे अभी हम, तो पहुंच चुके हैं। अभी इसके बाद जो है अभी हम जाने वाले हैं और कंटिन्यूसली जो है अब मैं राइड करूंगा, सलमान भाई पीछे बैठेंगे तो मज़ा आएगा। क्योंकि एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जो पीछे बैठ के जो एक्सपीरियंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा फ्रॉस्ट है। तो आज रियली वाकई में और भी ज़्यादा याद आ रही है मुझे सिंड्रा लगी कि काश वो होती तो मैं फ्रंट पर ही बैठ के चलता, क्योंकि उसमें मालूम नहीं चल, पता ही क्या उसमें मालूम ही नहीं चलता कि हाँ कितना चल रहा है, कितना चल रहा है, कितना नहीं चल रहा, सारी चीज़ें। तो अभी यहाँ पे बैठ के चाय पियेंगे, देखेंगे और मतलब खाएंगे पियेंगे जो भी होगा सारी। तो चलो बने रहो ब्लॉग। तो भाई देखो आ चुके चाय हमारी गरम। और ये हमें देखो सबसे पहले ये बंदा स्टार्ट हो चुका है, ड्राइवर है भैया, बाइक हम चलाने होगी, ये बैठोगे पीछे। अभी तो बेटा तुम बैठोगे पीछे, कोई बात नहीं पीछे बैठ, मजा आएगा। तो भाई पहाड़ की सबसे फेमस चीज मैगी, जो 2 मिनट में कभी भी मिल जाती है, वही चीज अभी हम चारों को चारों चबा रहे हैं। देख लो इधर ये लगे पड़े, उधर वो दोनों लगे पड़े, ठीक है रुक के। और सुबह के अभी बज रहे हैं 5:30, तो सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम ऑलमोस्ट जो है शिमला पहुंच चुके हैं अप्रोक्सीमेटली। तो इसको फिनिश करते हैं, खाते हैं मजे से। वैसे सच कहा जाए तो मैगी का मजा पहाड़ में ही आता है। तो यहाँ पे मैगी वैगी खा के जो है पेट वेट भर के थोड़ा सा, और हम दोबारा रेडी हो चुके थे निकलने के लिए और निकल चुके थे। तो ये था कि यहाँ पे ना हम सारे के सारे पहाड़ पे एक्चुअल में आ चुके थे, और शिमला यहाँ से ज़्यादा दूर था नहीं, लेकिन हाँ हमें शिमला नहीं, हमें रामपुर जाना था। इसलिए हम बिना नॉन स्टॉप रुके बस चलते जा रहे थे जहाँ पे मतलब लग रहा था कि हाँ स्टॉप करके रुकना चाहिए, हमें कुछ प्लान करना चाहिए, सारी चीज़ें तो हम कर रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि मतलब अचानक से जब रोशनी आ गई ना, तो फिर हमने बिना डरे बिना कुछ किए मतलब चलाना स्टार्ट कर दिया। और देख सकते हो राइट साइड में कि हाँ हमें वादियाँ जो है दिखना स्टार्ट हो गई, वादियाँ जो है पहाड़ की हर चीज़ वो चीज़ दिखना स्टार्ट हो गया। और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे, काफ़ी अच्छा फील हो रहा था कि भाई इतने मतलब दिनों बाद जो है मैं बाहर निकला, इतना ज़्यादा जो है मस्ती कर रहा था, मज़ा आ रहा था अलग से ही, बाइक चलाने में अलग ही मज़ा आ रहा था। सारी की सारी मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ की खूबसूरती इतना बढ़िया था, इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ के रोडें मुझे बहुत पसंद है, मतलब ऐसे हम वैसे बेसिकली तो हम हिमाचल प्रदेश में इंटर कर चुके थे, लेकिन क्या है कि फील आ रहा था कि जैसे कि हम अभी उत्तराखंड, ये जितनी भी मतलब पहाड़ी इलाका है ना, वैसे सेम एज इट इज़ ऐसा ही था। तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, और भी सही लग रहा था इस वजह से कि हाँ भाई बुलेट जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट होती है चलाने में। अगर तुमने देखा होगा कि बुलेट बाकी बाइकों के मुकाबले काफ़ी अच्छा कम्फर्ट देती है, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है, पीठ जो है सीधी रहती है, सारी चीज़ें। लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है यार, देखो जो भी ये बोलता है ना कि स्पोर्ट बाइक से बढ़िया बुलेट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी है कि ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद ना पीठ में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक जो है आपका पीठ जो है बैंड होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो चीज़ मैंने फील किया इसमें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताना चाहूँगा, जो मैंने देखा, जो मैंने इंजॉय किया वहाँ पे, सारी चीज़ें। तो बने रहो ब्लॉग में और देखते रहो सद्दाम ब्लॉग। बस यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ जो है मैं लेके आने वाला हूँ, और ऐसे ही इंजॉय करवाऊँगा। तो चलो देखो आगे क्या। तो भाई आ चुके थे हम, काफ़ी ज़्यादा लंबा आ चुके थे, और यहाँ पे अब नाश्ता वास्ता करने का प्लान बन गया था। तो सारे के सारे हम वेट कर रहे थे कि नाश्ता वास्ता करेंगे, और सामने एक होटल देखा था हमने। बट उससे पहले जो है मैंने एक चीज़ देखी कि बहुत सारे मतलब दो ऐसे भी थे यहाँ पे जो आए थे राइड करने, तो मैंने सोचा चलो उनसे बात कर लिया जाए थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने उनसे बात किया, काफ़ी अच्छा था, बात करके काफ़ी अच्छा लगा उनसे। और सबसे पहले तो हाथ मिलाया, उनसे हालचाल पूछा, फिर उन्होंने बताया कि हाँ वो भी राइड कर रहे हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं अपनी राइड को, ये भी स्पीति जा रहे थे। तो इन्होंने बताया ये ऑस्ट्रेलिया से हैं और सारी चीज़ें,
काफ़ी अच्छा लगा यार ऐसे, मतलब बाइकर्स को देख के ना काफ़ी अच्छा लगता है, चाहे वो किसी भी कंट्री के हो, डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता, बस आपको बात करना आना चाहिए और बात अच्छे से बिहेव करना आना चाहिए, ताकि जो है ये लोग भी फील अच्छा करें कि हाँ भाई कोई तो है जो मतलब आकर ऐसे जो है ग्रीट करते हैं और हमसे पूछते हैं, इससे ये पता चलता है कि हाँ भाई मतलब ये अकेले नहीं। चलो यहाँ से हमें खाने का अब जो है नाश्ता करना था, तो यहाँ के नाश्ता क्या ही मिलेगा यार, पराठा मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें मालूम है कि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ टाइम जो है रास्तों में पराठे ही सबसे जल्दी बनते हैं, इसलिए सारे सारे प्रेफर करते हैं कि पराठे मिल जाए, हाँ भाई मज़े करेंगे एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे हमें मिले, अभी दिखा था मैं क्या क्या मिला और आ चुके हैं अंदर। तो नाउ ये भी यार भाई इसे क्या कहे, इसे पराठा कहे या जिला कह दें, ये है नक्शा ठीक है, स्पीति जाने का नक्शा पूरा इस पर बना हुआ है, देख रहे हो ये पराठा है भैंस के डॉग इतना बड़ा, और व्यूज़ देखो सामने, और वहाँ देखो चलना शुरू है लोगों का, ठीक है ये पराठा है कसम से है। पीछे देख सकते हो कितना प्यारा व्यू आ रहा है, अभी धूप आ रही है इसकी वजह से सामने दिख नहीं रहा प्रॉपर तरीके से, अभी और मज़ा आएगा। भाई खा पी के जो है वहाँ से अब निकल चुके थे हम, और ये जो खूबसूरती दिख रहा था पेड़ों का, ये बहुत खूबसूरत लग रहा था मुझे, इस वजह से मैंने फिल्माना ज़्यादा बेहतर समझा कि हाँ भाई चलो आप जो है रुका नहीं जा रहा था बस से, इस वजह से मैंने यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया। लिटरली बताऊँ तो बहुत इन्जॉय कर रहा था मैं अपने राइड को, काफ़ी सही वीडियो बनाई थी, काफ़ी चीज़ें बनाई थी मैंने, लेकिन हाँ वही हुआ कि मतलब एक प्रॉब्लम वॉइस जो है नहीं आ पाया इसमें, आई डोंट नो पाए दिक्कत होगी कुछ ना कुछ, वो चीज़ फाइंड करेंगे बाद में, लेकिन अभी तुम ये देखो नज़ारे, दिल से बताओ किस किस का मन कर रहा है अभी जाने का ऐसी जगह पे, सच्चे कमेंट में कमेंट करके बताओ मेरे को किस किस का जाने का मन कर रहा है, क्योंकि मेरा तो बहुत मन कर रहा था इसलिए मैं होके आ गया, और काफ़ी ज़्यादा थकान भी हुआ सच बताओ तो, मतलब एक दिन पूरा सोता रहा मैं, दो दिन पूरा सोता रहा, और ये है कि हाँ भाई एक तरीके से काफ़ी अच्छा हुआ कि मेरा जो है काफ़ी चीज़ें जो है अच्छी लगी, ये चीज़ लगी कि मतलब मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था और निकल के काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। अभी हम शिमला पहुँचने वाले थे, शिमला एटलीस्ट कम से कम पहुँचने वाले थे, शिमला क्रॉस करने वाले थे, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था इस वक्त और शाम होने वाली थी, इसलिए और भी सही लग रहा था कि हाँ भाई चलो जो है मतलब दोपहर दोपहर तक पहुँच जाए तो ज़्यादा ईजी रहेगा रामपुर, इस वजह से हमने रोर करते रहे हम, और रुके भी बहुत कम रुके कि जल्दी पहुंच जाए, बट स्टिल फिर भी कहते रहे कि मतलब व्यू देखकर यार क्या ही बोलूं मैं, तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है ये। और भाई यहाँ पे पानी देखकर मुझसे रहा नहीं गया, सीरियसली बताओ तो, मतलब ये पानी इतना ज़्यादा ठंडा था, इतना ज़्यादा ठंडा था, ये वही पानी था जो मतलब इस झील में पानी वो था जो बहकर आ रहा था, जो बर्फ़ पिघल रहा था ना, वो बर्फ़ पिघला हुआ बर्फ़ जो है यहाँ आ रहा था, बट स्टिल क्या करें भाई हम है ही ऐसे, मतलब यहाँ से डर भी लग रहा था उतरने में, काफ़ी ज़्यादा नीचे ढलान है ठीक है, बट स्टिल फिर भी जो है हम दोनों उतरे हैं यहाँ पे, और लिटरली बताऊँ तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब इतना इन्जॉय करेंगे हम, तो मैंने तो बोला कि भाई अब कुछ भी हो जाए मुझे तो जाना है, तो हम लोग फटाफट उतर के जो है फटाफट पानी की तरफ जाने लगे, और अभी देखना तुम ये अब दिखेंगे तुम्हें नज़ारे, सच बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था यहाँ पे, और काफ़ी एक कहते ना कि एडवेंचर, अगर गर्मी होती तो अलग बात थी कि और भी काफ़ी लेट तक मैं नहाता इसमें, बट सर्दी है, एक तो बहुत ज़्यादा सर्दी था ठीक है, दूसरी चीज़ है कि मतलब इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था वहाँ पे, बट स्टिल पानी था तो मैटर नहीं करता भाई, मेरे लिए तो कभी मैटर नहीं किया, जहाँ भी मैंने पानी देखा ना मैं बिल्कुल भी मैं शांत नहीं रह पाया, गया और उसमें कूद गया, तो वही चीज़ जो है अभी होने वाली है, अभी देखना तुम यहाँ पे, और अभी कैसे होगा कैसे नहीं होगा सारी चीज़ें, मैं तो बिल्कुल ही बौखला गया था देखकर, इतना खूबसूरत इतना साफ़ पानी दिख रहा होगा तुम्हें, कितना ज़्यादा साफ़ पानी है बिल्कुल ही, और अभी और भी चीज़ें मैं दिखाऊंगा तुम्हें, देख सकते हो सलमान भाई उधर खड़े थे लगे पड़े थे, मैं इधर आ गया था और मैं देख रहा था कंटिन्यूसली कि भाई कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा सारी चीज़ें, और व्यू देख सकते हो कितना खूबसूरत है, तो आप बताओ आप कमेंट करके बताओ तुम्हें कैसा लगा था ये चीज़ देख के, ये चीज़ देखकर कैसा लग रहा है तुम्हें अभी। तो मैंने यहाँ पे बैग डाला, बैग डाल के जो है अपना ग्लव्स वगैरह खोलने लगा था, सलमान भाई को भी मैंने बोला कि भाई अब तो मुझे नहाना है, एनी हाउ कुछ भी हो जाए मैं नहीं रुकने वाला बिल्कुल भी, अगर मेरी जगह तुम होते तुम क्या करते पहले ये बताओ मेरे को, कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर मेरी जगह तुम होते इतना ज़्यादा ठंडा पानी, इतना ज़्यादा ठंडा पानी अप्रॉक्स ना भी तो मतलब 5 डिग्री तो हो गई 5 डिग्री। तो भाई रास्ते में अचानक से प्लान बन गया हमारा कि मतलब चलो अब तो है इस झील में डुबकी लगा ही ले,
मजा आएगा, सारे पाप धो लेंगे दरिया में, सारे पाप धो लेंगे क्योंकि रहा नहीं गया देखकर, तो साफ सीधी बात है रहा नहीं गया। और अभी मेरे को ये नहीं मालूम कि कितना ठंडा पानी है, कपड़े पानी तो होगा, कपड़े सारे उतरने वाले हैं। हाँ ये तो है, और आपको ये भी दिख जाएगा हम लोग कितना कुछ पहन के आए थे। 28 लाख का पहुँच, हाँ 23,000 का पहुँच। कितने का? 23,000 का पहुँच। अच्छा फ्लो फ्लो में ज़्यादा बोलिए 28 लाख। भाई इससे दूर हमारे भाई की बर्थडे वो दांस होती, बट यार कुछ दिनों से बीमार था तो खत्म। कोई नहीं, पजामे दो दो पहन रखे, दो दो क्या, दो दो पजामे। कोई नहीं, हमारे कच्चे नहीं है लेकिन तब भी हम नहाएंगे, हमने वादा करा है नहाने का। बिल्कुल भाई, सांप आप तो नहीं होते यहाँ पर? नहीं, बहता हुआ पानी है यार, सांप आए यहाँ पर? नहीं यहाँ पर नहीं होता, जहाँ पर खाना होता है वहाँ जाते हैं वो लोग। उतर चुके हैं जूते मेरे, उतर रहे हैं जूते। ओ भाई ये उतर गया पजामा। मैंने अपने जिम के नी सपोर्टर पहन रखे थे, जिसने कि मेरे पूरे रास्ते पर, भाई पूरे रास्ते पर इसने मेरी नी में ठंड लगने से बचाई है। भाई मेरा मूड काफ़ी था और जींस भी काफ़ी सही है। अब कपड़े खोलते हुए दिखाओगे पैंट? पानी ऐसा हो रहा है कि काटने का है, पहले बता रहा हूँ। बैग पर बर्फ आ गई, हो सकता है माइंड चेंज हो जाए। माइंड चेंज हो जाएगा भाई, मैं दूंगा मैं। ऐसे कैसे? ओ भाई लिटरली यार बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, एकदम ही इतना ज़्यादा ठंडा पानी कि पूछो ही मत। ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा। अरे यार ये तो टेंशन हो गई। मैं नहीं पता था बर्फ का पानी है। लेकिन ये बात सद्दाम भाई करेंगे पूरी हमारे। ऐसा कैसे करोगे, तो तुम भी चलो बेटा, आराम से चलो। तुमने कपड़े खोले सिर्फ मुंह धोने के लिए। भाई जो भी है यार बहुत ठंडा पानी है, जैसे आपकी बर्फ पिघलती है ना घर में, वो सेम वैसे पानी है यार। हाँ ये तो है यार लिटरली वाकई में। या तो बेबी में बीमार हो, आप चाहते हैं बीमार हो। वाह सर धो लेते हैं सर। सर बात वही है फिर यार, फिर अच्छा चल गया है, तौलिया भी तो नहीं मार पा, तौलिया मारने पार्टी ले जा चुके। कोई नहीं जाके चाहिए यहाँ पर आने में मज़ा तो डूब। हाँ आइस पानी तो चल लेते हैं, थोड़ा मज़ा तो ले लें। कसम से यार करे क्या, अब दुविधा में पड़ गया कसम से, खुद ही सोच के। मतलब ये था कि दूर का मेवा जो होता है ना बर्फी, वो शादी वाला वो फिट हो गया यहाँ पे। चलो मारो डुबकी, नहीं मारता ले लो, मैं तो ले लूँगा। ले लो कड़ाके की ठंड। अगर इसमें से जाके हम लोग और बाहर आ गए तो मतलब समझ लो सर्दी का है, सर्दी का है। चलो मैं भी आ जाओ फिर। आ जाओ भाई,
ज्यादा सोचूंगा दिक्कत होगी। गर्मी आ गई, गर्मी में गर्मी आ गई। अब तो कितने ठंडे पानी में डुबा लो कैमरा ना पास गया। तुम तो भाग गया एक ही डुबकी। अब कैमरा पास गया ना भाई, छीटे मत मारना। बिल्कुल भी नहीं, सीरियसली यार। नहीं मजा आ गया भाई, बहुत ठंडा पानी है भाई। एक और डुबकी, एक और डुबकी। इसी नाम से धूप आ जाए यार, धूप आ जाए थोड़ी देर। यार कसम से वैसे देख रहे हो ध्यान से, जाते ही गर्मी लगना स्टार्ट होगी। एक और डुबकी तो तेरी भैंस को डांट। मैं एक और मारने वाला हूँ भाई, कसम से आ रहा हूँ। झूठ ना लो, फ्रिज के टेम्परेचर से पानी है। वन टू थ्री करियर सिख देती भाई। देख लिटरली रोम तक खड़े हो, पहले बाहर निकालो। मैं भी एक डुबकी और मार के आ रहा हूँ यार। बहुत ठंडा पानी है कसम से, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। और अब थोड़ा रिलैक्स हुआ, दूसरे डुबकी से थोड़ा रिलैक्स हुआ, तीसरा और देखो। थोड़ी देर अंदर रहें क्या? थोड़ी देर अंदर रहें। अंदर ही हूँ यार कब से मैं। अरे अंदर पूरा, अंदर पूरा मत रहो ज़्यादा, नाक में चढ़ गया दिक्कत हो जाएगी। छुट्टी फुट्टी बोलना हो जाएगी। एक और देखो यार, सोच नहीं सकते कितना मजा आ रहा है। बाकी बता रहा भाई, अंदर जाने के बाद मजा तो आ रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि पैर में कट रहा है। इतना ठंडा पानी है। और देखो एक और, बहुत बढ़िया। अबे यार बिगाड़ा काम बिगाड़ा। एक और, एक मैं भी करूँ तो कर लिया कार। अबे फिर सीखते इकट्ठे दो लगाऊंगा, अब इकट्ठे दो लगाऊंगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि रोडीज का टास्क कर रहे हैं हम। सीरियसली इतना ठंडा पानी, बिग बॉस का टास्क हो रहा है और कुछ नहीं। एक और चल रहा है, वो चल रहा है, चल तो रहा है। एक लास्ट और सदा में एक और मारने वाला है। उसके बाद में बाहर, अपनी हिम्मत है, एक और बस भाई। आजा बाहर, आजा भाई। दोस्तों हालत बताने वाली नहीं है, दिखाने वाली है। कोटे जम गए कसम से। ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो भाई, पूरे जम रखे कसम से। अबे धूप आई, धूप आ गई। ऊपर वाला मेहरबान होगा थोड़ा सा भाई, पानी बहुत ठंडा है। टाइम है इस टाइम नवंबर का स्टार्टिंग। नवंबर कितना है? नवंबर आज चार चार नवंबर पानी का, चार नवंबर है पानी का आइडिया लगा सकते हो कितना ठंडा है। कुछ बोल नहीं सकते, ऐसा तो है नहीं यार, ये पानी नॉर्मल हो। ये देख रहा रेड हो गया पैर। ओ भाई पैर रेड हो गए मेरे। ये भी देखो कैसे रेड से उन लग गए, पूरे रेड हो गए इतना ठंडा। लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी सर भाई, कर्म कर दिया शरीर को उसने। एक चीज माननी पड़ेगी, धूप बड़ी तगड़ी आ गई अचानक से। अब मिलते हैं, कपड़े पहन दो, कपड़े पहन दो, दिखाएंगे हमारे पास तौलिया नहीं है। आड़ में करना पड़ेगा कुछ ना कुछ चेंज, ठीक है? अभी तो फिलहाल कुछ ना कुछ अभी भाई हमारा नाना दोनों हो चुका है। कैमरे वैमरे हमने पूरा पैक कर दिया, सब कुछ कपड़े वपड़े सारे कुछ पहन लिए। कपड़े बदलते हुएगा दिखा नहीं पाए क्योंकि तौलिया हमारे पास था ही नहीं। तो यार बाकी वीडियो, अब अभी होटल जाते हैं, वो लोग बैठे पड़े हमसे पहले जाके। रास्ते पे उन्होंने कोई मज़ा नहीं लिया, बस जाके वहाँ पर पड़ गए। हम तो भाई यहाँ पर नहाए, हमने मछली पकड़ी एक, फिर दोबारा इसके अंदर डाल दी देखने के लिए कि मछली है कुछ और था वो। सलमान में मज़ा आया कि नहीं? भाई मज़ा बहुत आया, मज़ा। एडवेंचर का मतलब क्या होता है? यही होता भाई, यही होता है ना? भाई हमने चार डुबकी मारी है इसके अंदर। चार डुबकी।